अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू शेफ सारा कुक हाउस में एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आज जबरदस्त समर की रेसिपीज आपके लिए लेकर आई हूं। तो आज जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रेसिपी, वो है मैंगो पुडिंग। मैंगो तो आपको पता है कि फलों का बादशाह कहलाता है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा और हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आम जैसा जो। तो ऐसा है कि हम आज आपको जो मैंगो पुडिंग की रेसिपी देंगे उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी रेसिपी के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे मैंगो पुडिंग के, जो मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये मैंने जो है मैंगो लिए हैं मैक्सिमम, ये मेरे पास 3 मैंगोज हैं, ठीक है। इसकी अभी हमने प्यूरी तैयार करनी है। 3 मैंगोज हैं, आपने इसको सारा जो है उसका अच्छी तरीके से पील करके गूदा निकाल लेना है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आधा कप से थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये हमारा दूध है, ठीक है। यानी कि आप लगा लें कि आपके पास 250 ml जो है वो मिल्क होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे शुगर चाहिए। शुगर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंगो मीठा होता है इसलिए मैं शुगर भी 3 या 4 टेबलस्पून से ऊपर नहीं लूंगी। और ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपको पता है एक स्टार्च है और ये हमारी जो भी हम चीज बनाएं या सूप या कोई ऐसा ग्रेवी जिसे हमें थिक करना हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारा पुडिंग में थिक करने का एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जो बहुत सारे लोग हैं वो जेलेटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्होंने मैंगो पुडिंग में कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना, तो वो 1 टीस्पून जेलेटिन जो है वो प्लेन वाटर में लेके हल्का सा उसे वार्म करेंगे और 1 टीस्पून जेलेटिन डाल देंगे। जब हम ये प्यूरी तैयार करेंगे उसी टाइम जब हम कॉर्नफ्लोर आप देखेंगे कि मैं ऐड कर रही हूँ उसी टाइम आप जेलेटिन भी डाल सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरी जबरदस्त सी जो है वो मशीन है, आप देख रहे होंगे, और ये मेरी बड़ी फेवरेट है और इंशाल्लाह इसी के अंदर मैं अपनी प्यूरी तैयार करूंगी। प्यूरी तैयार करने के बाद हम फ्लेम पे जाएंगे। चलें जी, देखें हमने ये प्यूरी तैयार की थी, वो सारी प्यूरी जो है वो हमारी फ्लेम पे जा रही है। फ्लेम आपने थोड़ा सा लो कर लेना, ये देखें। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 टेबलस्पून के मुताबिक और फिर हम इसको पकाएंगे। जो थोड़ा सा मैंने दूध बचाया था उसी दूध के अंदर मैंने वो कॉर्नफ्लोर जो है वो डालना है। ये थोड़ा सा दूध मैंने बचाया था और इस दूध के अंदर ही मैंने क्या किया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया और ये हम अपनी प्यूरी में डालेंगे और फिर हम उसे पकाएंगे। मैक्सिमम जब तक ये बॉइलिंग ना आए आपने इसे पकाना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे बस इसे। उसके बाद हम इसे मोल्ड्स में निकालेंगे और 20 से 30 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर दिया और इसे अच्छी तरीके से मैं बॉइलिंग पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 1 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरीके से मैंने देखें मिक्स कर दिया ताकि इसमें किसी किस्म की भी कोई लम्स यानी कि कोई गुठली वगैरह ना आए, ठीक है।
और आपने अब इसे मैक्सिमम 5 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद हम इसे मोल्ड्स में निकाल रखेंगे।